ज्योतिराज, जिसका कर्नाटक में अर्थ है बंदर आदमी यानी मंकी मैन। ज्योतिराज को कौथीराज के रूप में भी जाना जाता है। वह बड़ी बड़ी पहाड़ियों और दीवारों पर एक मिनट के भीतर चढ़ सकते हैं। ज्योतिराज अलियास कोथीराज चित्रदुर्गन एलआरगे एंजल। मेरा नाम ज्योतिराज उर्फ कोथीराज है। मैं बड़ी चट्टानों और दीवारों पर आसानी से चढ़ सकता हूं, लेकिन एंजल फॉल्स पर चढ़ने में नाकाम होकर लौटने के बाद मुझे बहुत निराशा हुई। फिलहाल मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूं ताकि मैं भविष्य में एंजल फॉल पर चढ़ सकूं। मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों और जल प्रपातों पर चढ़ूंगा और कर्नाटक का गौरव बढ़ाऊंगा। कोथीराज हर रोज शिलाखंडों पर चढ़ने का अभ्यास करते हैं। उनका सपना दुनिया के सबसे ऊंचे निर्बाध झरने यानी एंजल फॉल्स पर चढ़ना है। कोरोना के चलते कोथीराज के सपने पर एक विराम लग गया है। कोथीराज अपनी साहसिक चढ़ाई के लिए कर्नाटक में प्रसिद्ध हैं। वह कई पहाड़ियों और शिलाखंडों पर चढ़ चुके हैं। कोथीराज अब अपने पैसों से 15 युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि पहाड़ी पर चढ़ने की कला मरने के लिए आए, इसलिए वह हर सप्ताह के अंत में युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। मैं 10 साल से कोथीराज से प्रशिक्षण ले रहा हूं। वह अपनी कमाई के पैसे से प्रशिक्षण देते हैं। हमने एशियाई चैंपियनशिप में खेल जैसी कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। वह हर शनिवार और रविवार को हमें ट्रेनिंग देते हैं। पहले वह हमें चढ़ाई करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं और फिर बाद में हम व्यायाम करते हैं और डुबकी लगाते हैं। ज्योतिराज ने अपने साहसिक कारनामों से कन्नड़ लोगों का दिल जीत लिया है। वह अब 15 युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उनसे प्रशिक्षण लेकर लड़कों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार भी जीते। हर रविवार को वह चित्रदुर्ग किले में साहसिक खेल का प्रदर्शन करते हैं। कोथीराज पर्यटकों के सामने किले की दीवार पर चढ़ जाते हैं। शो के समाप्त होने के बाद पर्यटक अक्सर उन्हें प्रशंसा के तौर पर पैसे देते हैं। उस पैसे से वह अब 15 युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। मैं अपनी कमाई से 15 लोगों को प्रशिक्षित कर रहा हूं। मेरा सपना पहाड़ पर चढ़ाई के प्रशिक्षण के लिए चित्रदुर्ग किले में एक खेल अकादमी का निर्माण करना है। चढ़ाई का कौशल सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कोथीराज को सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही। उन्हें अमेरिका की यात्रा करने और एंजल फॉल्स के अपने सपने को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। अगर सरकार उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में मदद करती है तो वह और अधिक उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। हम भी कोथीराज के सपने के सच होने की कामना करते हैं। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.